एक बार की बात है, एक बुजुर्ग एक गांव में रहता था। उसकी सफेद दाढ़ी और बाल दिव्यता का आभास कराते थे। पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान उन्हीं बुजुर्ग को माना जाता था। लोग अपनी समस्याओं को लेकर बुजुर्ग के पास आते थे, जिनका वे समाधान सुझाते। अक्सर लोगों की समस्याएं एक जैसी होती थी। ऐसे ही एक दिन पूरा गांव अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें घेरे बैठा था। उन्होंने एक चुटकुला सुनाया, सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। 5 मिनट बाद उन्होंने वही चुटकुला दोबारा सुनाया। इस बार कुछ लोग हंसे, कुछ मुस्कुरा कर रह गए। तीसरी बार उन्होंने जब यह चुटकुला दोबारा सुनाया तो एक भी शख्स नहीं हंसा, बल्कि हैरान होकर बुजुर्ग को देखने लगे। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, जब आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही समस्या को लेकर रोज क्यों आते हो, क्यों नाहक दुखी होते हो? अब अपनी समस्याएं लेकर आए लोगों को अपनी परेशानियों का हल मिल चुका था। वे मुस्कुराते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वह ये है, जो वश में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। जो है जितना है उसमें हमें खुश रहना चाहिए।